नमस्कार दोस्तों, इस सेशन में हम जियोग्राफी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड वीकली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। ये हमारा वीकली करंट अफेयर डिस्कशन का वीकली शेड्यूल और ये हमारा जीएस की लाइव क्लासेस का शेड्यूल। शाम को 3 बजे से 5 बजे तक स्टेट पीसीएस की क्लासेस चलती हैं और शाम को 6 बजे से 8 बजे तक यूपीएससी की लाइव क्लासेस चलती हैं। ये हमारा आज का एजेंडा, हम कौन कौन से टॉपिक पे आज चर्चा करने वाले हैं। भारत ने अपने जीव जंतु संबंधी डेटाबेस में कुछ बदलाव किए हैं, इसको देखेंगे। चेनकुरुंजी का पेड़ चर्चा में था, इसको देखेंगे। वैश्विक संधारणीय रिपोर्ट 2022 रिलीज हुई है, इसमें भारत की पोजीशन देखेंगे। और वैकल्पिक प्लास्टिक, इसकी इससे रिलेटेड एक रिपोर्ट आई है, इसको भी देखेंगे। और दुर्लभ मृदा खनिज, ये अधिकतर चर्चा में रहता है, अभी भी चर्चा में आया है, इसको डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर। अभी हाल ही में भारत ने अपने जीव जंतु संबंधी डेटाबेस में 540 प्रजातियों को जोड़ा है। आइए देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी प्रजातियां एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। भारत में जंतुओं की 103,000 प्रजातियां हैं। टोटल जंतुओं की 103,000 प्रजातियां हैं, इसमें पादप शामिल नहीं है, सिर्फ जंतुओं की प्रजातियां बता रहे हैं, जो कि विश्व की जैव विविधता का 6.1% है। भारत में टोटल जंतुओं की प्रजातियां हैं 103,000, जो विश्व की जंतु जैव विविधता का 6.1% है। अब देखते हैं इसमें, इस रिपोर्ट में कौन कौन से नई प्रजातियों को जोड़ा गया है। एक नई मैमल्स प्रजाति को खोजा गया, स्तनपाई प्रजाति को खोजा गया है, उसका नाम है क्रोसीडूरा नार्कोनडेमिका। क्रोसीडूरा नार्कोनडेमिका, इसमें नार्कोनडेमिका नाम दिया गया है क्योंकि यह नार्कोंडम द्वीप पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नार्कोंडम द्वीप पर खोजा गया है। ये आप उसका फोटो देख सकते हैं, ये है क्रोसीडूरा नार्कोनडेमिका। यह एक मैमल्स है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में खोजा गया है, नार्कोंडम द्वीप पर खोजा गया है। ये मैमल्स है इसलिए, और ये एक ही नई प्रजाति खोजी गई है इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो 540 प्रजातियां हैं, इसमें बहुत सारी हैं फ्लोरा फौना में से हैं, लेकिन मैमल्स एक ही खोजा गया है इसलिए एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और एक सरीसृप की प्रजाति भी खोजी गई है, उसका नाम क्या है, बोइगा विटाकेरी। बोइगा विटाकेरी, या इसे व्हाइटेकर्स कैट स्नेक भी कहते हैं। एक सरीसृप खोजा गया है बोइगा विटाकेरी और एक मैमल खोजा गया है क्रोसीडूरा नार्कोनडेमिका। इन दोनों को याद रखना है आपको। हमारा आज का अगला टॉपिक है चेनकुरुंजी। चेनकुरुंजी के पेड़ अपने स्थानिक क्षेत्र से घटता जा रहा है, इसीलिए ये न्यूज में बना हुआ था। अभी स्थानिक क्षेत्र से घट क्यों रहा है, इसका मुख्य रीजन है जलवायु परिवर्तन। यह जलवायु परिवर्तन के कारण चेनकुरुंजी अपने स्थानिक क्षेत्र से घटता जा रहा है। और इसका स्थानिक क्षेत्र कहाँ है, अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व में। यह अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व की स्थानिक प्रजाति है चेनकुरुंजी, इसका नाम याद रखना है आपको, चेनकुरुंजी अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व का स्थानिक प्रजाति है, स्थानिक पेड़ है वहाँ का। और यह अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, केरल और तमिलनाडु में यह फैला हुआ है। और अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व, इसके अंदर 3 वन्यजीव अभयारण्य हैं और 1 टाइगर रिजर्व है। 3 वन्यजीव अभयारण्य कौन से हैं, शेंदुरने, पेपारा और नेयार। शेंदुरने, पेपारा और नेयार, ये तीनों वन्यजीव अभयारण्य हैं। और एक टाइगर रिजर्व है कलाकड़ मुंडन थुराई। कलाकड़ मुंडन थुराई, ये अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही हैं। ये अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही हैं, 3 वन्यजीव अभयारण्य और 1 टाइगर रिजर्व। चेनकुरुंजी का यूज क्या है, इसका मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होता है, यह बीपी डाउन लो करने में काम आता है, बीपी रक्तचाप को कम करता है और गठिया के उपचार में यूज होता है। एक अभी ग्लोबल सस्टेनेबल रिपोर्ट आई है
ये स्टेट पीसीएस के लिए यूजफुल हो सकता है, उसमें आंकड़े पूछ लेते हैं। भारत का 163 देशों में 121 स्थान है, 121वां स्थान है भारत का ग्लोबल सस्टेनेबल रिपोर्ट 2022 के अनुसार। और लगातार 3 वर्षों से भारत की रैंक फिसल रही है, लगातार 3 वर्षों से भारत की रैंक फिसल रही है और अब ग्लोबल सस्टेनेबल रिपोर्ट में 121वां स्थान है। ये आपको पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आइए अपना अगला टॉपिक देखते हैं। नीति आयोग ने प्लास्टिक के वैकल्पिक उत्पाद और प्रौद्योगिकी तथा उनके अनुप्रयोग पर एक रिपोर्ट जारी की है। प्लास्टिक के वैकल्पिक उत्पाद और प्रौद्योगिकी तथा उनके अनुप्रयोग पर एक रिपोर्ट जारी की गई है नीति आयोग के द्वारा। ये नीति आयोग इस समय पर बहुत सारी रिपोर्ट ला रहा है, ये ध्यान रखने योग्य बातें होती हैं इसकी। और ये न्यूज में क्यों है? सिर्फ रिपोर्ट के कारण नहीं, रिपोर्ट जो जिसने रिलीज किया है, ऐसा हुआ था इसमें कि नीति आयोग ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। किस काम के लिए गठन किया था? कि प्लास्टिक को अपघटन योग्य बनाना या प्लास्टिक का विकल्प ढूंढने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था और उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है उसी से अनुसंधान से रिलेटेड। उस रिपोर्ट के निष्कर्ष क्या हैं, आइए देख लेते हैं। भारत में 35 लाख टन पर ईयर प्लास्टिक अपशिष्ट का उत्पादन होता है, 35 लाख टन पर ईयर, एक साल में 35 लाख टन भारत में प्लास्टिक का अपशिष्ट, यानी कि जो उसमें सिंगल यूज प्लास्टिक भी होगा और डिस्पोजेबल प्लास्टिक भी होगा, बॉटल भी होंगे, उन सभी को मिला के 35 लाख टन एक साल में हम प्लास्टिक अपशिष्ट का उत्पादन कर देते हैं, जिसमें से सिर्फ 60% का ही हम रिसाइकिल करते हैं, रिसाइकिल के लिए उसको एकत्र करते हैं। और इसमें से कितना रिसाइकल होता है ये तो अभी इसका आंकड़ा पेश ही नहीं किया गया है। और दूसरा निष्कर्ष क्या निकला है कि अभावग्रस्त समूह इसके पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये तो इसमें किसी समिति की आवश्यकता ही नहीं है, ये तो आप लोग भी जानते होंगे कि ये जो प्लास्टिक का अपशिष्ट या कि कचड़ा प्लास्टिक बॉटल वगैरह जो इकट्ठा करते हैं वो अधिकतर अभावग्रस्त समूह ही होते हैं। जल भूमि तथा वायु निकायों पर माइक्रोप्लास्टिक की बढ़ती सांद्रता के कारण प्रबंधन जरूरी है। इसका जल भूमि और वायु तीनों में इसकी सांद्रता बढ़ रही है माइक्रोप्लास्टिक की। माइक्रोप्लास्टिक क्या होता है? जो 5 mm से बड़ा हो वह माइक्रोप्लास्टिक में आएगा। और इस रिपोर्ट का मुख्य एग्जाम्पल के लिए इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए हो रहा है वो यह है कि इसने कुछ परिभाषाओं को स्पष्ट किया है कि जैसे जैव प्लास्टिक हो गया, अपघटन योग्य प्लास्टिक हो गया, जैव निम्नीकरण, ऑक्सोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, ये क्या है। आइए हम देखते हैं जैव प्लास्टिक। जैव प्लास्टिक, ये प्लास्टिक नवीकरणीय बायोमास संसाधनों से बनाए जाते हैं। अब ये नवीकरणीय बायोमास संसाधन क्या होते हैं? इसमें आप स्टार्च या खराब जैसे वेस्ट खाना हो सकता है, भोजन पदार्थ जो वेस्ट होते हैं, इनके सम्मिश्रण से प्लास्टिक बनाते हैं। जैसे जनरली कागज के गत्ते वगैरह जो आप कोलगेट वगैरह खरीदते होंगे उसका जो गत्ता रहता है वो जैव प्लास्टिक के अंतर्गत ही आते हैं। जो स्टार्च और भोजन या कि अन्य जैसे पेड़ के छाल से बने हुए हों वह नवीकरणीय बायोमास संसाधन कहलाते हैं। इसका आप एग्जांपल यही ले सकते हैं, जैसे कागज के गत्ते बने होते हैं वो जैव प्लास्टिक के अंतर्गत आएगा। दूसरा है हमारा अपघटन योग्य प्लास्टिक, कंपोस्टेबल प्लास्टिक। इस प्रकार का प्लास्टिक अपघटन के दौरान जैविक प्रक्रिया के द्वारा निम्नीकरण के चरण से गुजरता है। यह जैविक प्रक्रिया द्वारा निम्नीकरण के चरण से गुजरता है। इस दौरान यह निरंतर दर पर कार्बन डाइऑक्साइड और अकार्बनिक यौगिक उत्सर्जित करता रहता है। अपघटन योग्य प्लास्टिक से CO2 और अकार्बनिक यौगिक उत्सर्जित होते रहते हैं। ये अपघटन योग्य प्लास्टिक रिन्यूएबल
रॉ मटेरियल, रिन्यूएबल रॉ मटेरियल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पेट्रोकेमिकल से बने होते हैं। कंपोस्टेबल प्लास्टिक जो हैं वो या कि इनमें से किसी एक से या तीनों से मिलके बने होते हैं और यह निम्नीकरण के चरण से गुजरता है। यह कंपोस्ट, कंपोस्ट शब्द से तो आप परिचित ही होंगे जिसका अपघटन हो सके। अगला है जैव निम्नीकरणीय, यह अपघटन योग्य प्लास्टिक से भिन्न होता है, यह कंपोस्टेबल प्लास्टिक से भिन्न होता है, नाम एक जैसे लगता है लेकिन उससे अलग होता है। इसे जैविक प्रक्रियाओं द्वारा पूरी तरह से निम्नीकृत किया जा सकता है और पर्यावरण पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जैव निम्नीकरणीय का पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगला है हमारा ऑक्सो डिग्रेडेबल प्लास्टिक, यह पॉलीएथिलीन जैसे पारंपरिक प्लास्टिक होते हैं। ऑक्सो डिग्रेडेबल प्लास्टिक पॉलीएथिलीन जैसे पारंपरिक प्लास्टिक होते हैं, ये जैविक पदार्थों से या कि बायोमास से नहीं बने होते हैं। इन्हें छोटे टुकड़ों में टूटने में मदद करने के लिए एडिटिव्स, योजक समाहित किया जाता है। ये योजक क्या होते हैं, जैसे आपके पास जो अभी पारंपरिक जो प्लास्टिक होते हैं वो आसानी से छोटे टुकड़ों में, आसानी से छोटे टुकड़ों में नहीं टूटते हैं, यानी वो आसानी से अपघटित नहीं होते हैं, तो उनको अपघटित करने के लिए जो एडिशनल मटेरियल डालते हैं उसे हम योजक या एडिटिव कहते हैं। और इनसे पर्यावरण में माइक्रोप्लास्टिक का प्रवेश हो जाता है। हम ये जो भी एडिटिव डालेंगे इनसे ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेंगे और ये फिर माइक्रोप्लास्टिक के रूप में पर्यावरण में, भूमि में, भूमि, पानी और वायु में ये माइक्रोप्लास्टिक के रूप में उपलब्ध होते हैं और ये ऑक्सो डिग्रेडेबल प्लास्टिक कहलाते हैं। इन ये पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। आइए हम अपने आज के लास्ट टॉपिक पर चलते हैं, दुर्लभ मृदा खनिज। यह चर्चा में क्यों है, क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने लिथियम और कोबाल्ट से जुड़ी संयुक्त परियोजनाओं में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है और साथ में ये दुर्लभ मृदा खनिज का भी संश्लेषण या उनका उत्खनन करेंगे। आइए देखते हैं दुर्लभ मृदा खनिज है क्या। ये 17 धात्विक तत्वों का एक समूह है, ये कोई एक खनिज नहीं है कि आप उसको कह दें ये दुर्लभ है। यह 17 धात्विक तत्वों का एक समूह है और यह अर्थक्रस्ट में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो फिर इसको दुर्लभ मृदा तत्व क्यों कहते हैं। दुर्लभ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके निष्कर्षण, शोधन और प्रसंस्करण में अत्यधिक ये कठिन होते हैं। कठिन इसलिए होते हैं क्योंकि ये जैसे मान लीजिए स्कैंडिनियम हो गया और यट्रियम हो गया, लैंथेनाइट्स के तत्व हो गए, ये सभी एक साथ ही मिलने लगते हैं। जहाँ भी मिलते हैं किसी भी धातु के साथ में, धातु खनिज होते हैं और इनके अयस्क साथ में ही एक साथ गुथे हुए होते हैं, तो इनको प्रसंस्कृत करना या अलग अलग करना बहुत महंगी प्रोसेस हो जाती है। इस कारण से इसे हम दुर्लभ मृदा खनिज कहते हैं। ये एग्जाम में पूछ सकता है कि दुर्लभ मृदा खनिज को दुर्लभ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पृथ्वी में कम मात्रा में पाए जाते हैं। ये कम नहीं है, ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं लेकिन इनका प्रसंस्करण कठिन होता है, इसलिए इन्हें दुर्लभ मृदा खनिज कहते हैं। कौन कौन से तत्व दुर्लभ मृदा तत्व में आते हैं, ये आप देख सकते हैं। लेंथेनाइट के 15 सदस्य होते हैं, लेंथेनाइट श्रेणी के 15 सदस्य होते हैं और स्कैंडियम और यट्रियम ये हो गए 15, ये हो गए 2, 15 प्लस 2 मिला के टोटल 17 तत्व होते हैं जिन्हें हम रेयर अर्थ मिनरल्स कहते हैं। अब इसमें हमने आपको पहले बताया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने लिथियम और कोबाल्ट से जुड़ी संयुक्त परियोजनाओं में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है, इसीलिए ये न्यूज में है। लेकिन आप ये मत गलती कर बैठिएगा कि लिथियम और कोबाल्ट को रेयर अर्थ मेटल समझिए, लिथियम और कोबाल्ट रेयर अर्थ मेटल
नहीं है। रेयर अर्थ मेटल सिर्फ ये 17 है। लेंथेनाइड श्रेणी के 15 तत्व और स्कैंडियन और येट्रियम, स्कैंडियन और येट्रियम यही लेंथेनाइड में आते हैं, सॉरी रेयर अर्थ मेटल में आते हैं। और ये इतना न्यूज में क्यों है, क्योंकि आप अभी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स देखते होंगे, इलेक्ट्रिकल्स देखते होंगे, लगभग सभी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसमें रेयर अर्थ मेटल का बहुतायत में उपयोग किया जा रहा है। ऐसे मोबाइल में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में और हाइब्रिड व्हीकल में भी यूज किया जाता है, टीवी में हो गया, फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर कोई भी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम कोई भी हो, रक्षा उपयोग में इसका उपयोग किया जाता है, अंतरिक्ष में भी इसका उपयोग किया जाता है, अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी में, स्वास्थ्य सेक्टर में, रोबोटिक्स वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है। भारत में रेयर अर्थ मेटल का दुनिया का 5वां सबसे बड़ा भंडार है, ये आपको याद रखना है। रेयर अर्थ मेटल के भंडारण क्षमता में भारत का 5th स्थान है, ये एग्जाम में पूछ सकता है। और इसे रेयर अर्थ मेटल का अन्वेषण परमाणु ऊर्जा विभाग करता है, रेयर अर्थ मेटल का अन्वेषण परमाणु ऊर्जा विभाग करता है और इसका 5वां विश्व में 5वां स्थान है भंडार के मामले में। उत्खनन के मामले में नहीं, हम लोग उत्खनन इतना नहीं कर रहे हैं, अधिकतर आयात ही कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास भंडारण बहुतायत में उपलब्ध है, 5वां सबसे बड़ा भंडारण है। लेंथेनाइड के कुछ गुण होते हैं, विशिष्ट गुण होते हैं, सॉरी लेंथेनाइड बार बार बोल रहा हूँ, लेंथेनाइड नहीं, रेयर अर्थ मेटल्स के कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनमें से एक प्रॉपर्टी अद्वितीय चुंबकी, उनका चुंबकीय गुण बहुत अच्छा होता है, इसलिए वो स्पीकर वगैरह में भी इनका रेयर अर्थ मेटल का यूज होता है। ये विद्युत रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं और ल्यूमिनिसेंट गुण प्रदर्शित करते हैं, ल्यूमिनिसेंट मतलब चमकदार, ये जैसे रेडियम वगैरह हो गए, तो उनके भी गुण रेयर अर्थ मेटल प्रदर्शित करते हैं, ये भी आप इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। रेयर अर्थ मेटल के गुण जो हैं ये अद्वितीय चुंबकीय होते हैं, विद्युत रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं और ल्यूमिनिसेंट होते हैं, यानी चमकते हैं ये। आज के हमारे टॉपिक इतने ही थे, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।